खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां सोशल मीडिया पर लगातार दो कथित ऑडियो वायरल होने पर रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने कहा कि सबसे पहले दरोगा को गाली देने का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर चलाया गया, फिर उसके बाद व्यापारी से रंगदारी मांगने का उनका कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर चलाया गया। इस मौके पर विधायक धीरज ओझा ने कहा कि विरोधी उनकी लोकप्रियता देखकर भयभीत, विपक्षी उनकी छवि खराब करना चाह रहे। विधायक ने कहा कि उन्होंने रानीगंज में विकास किया है, कई नगर पंचायतों की सौगात दी है, विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित की गई है और तमाम प्रकार के बड़े काम हो रहे हैं। इसी वजह से विरोधी फर्जी ऑडियो वायरल करके उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। वायरल हुए ऑडियो को लेकर विधायक धीरज ओझा ने कहा कि उन्होंने सदा व्यापारियों की मदद की है और अश्विनी सोनी उनके साथ व्यापार करते थे और पिछले दो सालों से उनके साथ नहीं है। अभी हमको पता चला कि एक हमारा ऑडियो फिर से वायरल किया गया। ये लगातार कई दिनों से ये मैं देख रहा हूँ, दो तीन दिनों से साजिश चल रही है। हमारी लोकप्रियता में जो वृद्धि एकदम बढ़ती चली जा रही है। मैंने यूनिवर्सिटी लाने का काम किया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, रोजगार के लिए, खेल के लिए, माँ बराही देवी पर्यटन में, कहला में पर्यटन, सब कुछ बहुत अच्छे से काम इस रानीगंज विधानसभा में, कई टाउन एरिया बनाया हमने, काम हो रहे हैं। उसमें विपक्षी बौखला गए हैं। ये देखिए, एक दिन पहले भी एक ऑडियो वायरल किया गया था, दो दिन पहले भी, मैं आज भी कह रहा हूँ वो ऑडियो फॉरेंसिक जांच हो। मैं आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी मिला था और उस मामले मैंने कहा इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा, इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। मेरी बात अगर हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा और जो मीडिया वाले भी इसको चला रहे हैं। विधायक ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले मामले को लेकर कहा कि हिसाब किताब हमारा उनका है, लेकिन इसमें रंगदारी मांगने की कहीं से बात नहीं आती। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं, मैं उनको कोर्ट से नोटिस भिजवाऊंगा।